वर्चुअल असिस्टेंट या VA क्या है, वर्चुअल असिस्टेंट बनकर डॉलर्स कैसे कमा सकते हैं, वर्चुअल असिस्टेंट बनने के लिए किन किन चीजों की जरूरत है। डोंट वरी, मुझे भी पता है कि आपके जहन में ये सारे सवालात आते होंगे क्योंकि ये मेरे जहन में भी आते थे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप VA कैसे बन सकते हैं, VA बनने के लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए और VA बनकर आप डॉलर्स कैसे अर्न कर सकते हैं। अगर आपको मेरे बारे में नहीं पता तो मैं आपको अपना बेसिक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम सैफुर रहमान है और पाकिस्तान में कई VAs को मैंने ट्रेन किया है जो कि एक अच्छा अर्न कर रहे हैं। वीडियो की तरफ चलने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को ऑल पे कर दें ताकि आपको फ्यूचर में आने वाली वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। आपने इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है क्योंकि इसमें मैं बहुत ही डिटेल में बताऊंगा कि VA क्या होता है, VA बनने के लिए आपको किस क्वालिफिकेशन की जरूरत है और VA बनकर कैसे पैसे कमाए जा सकते हैं। तो अब हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि VA कहते किसे हैं या VA क्या है। तो बेसिकली VA एक ऐसे इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को कहते हैं जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या पर्सन को सर्विसेज प्रोवाइड करता है उनके ऑफिस से बाहर रहते हुए। टिपिकली ज्यादातर VAs जो हैं वो होम कंफर्ट से सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस को और पर्सन को। अगर कुछ साल पीछे चले जाएं तो ज्यादातर VA एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज देते थे, लेकिन आजकल के दौर में एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के अलावा और भी बहुत सारी सर्विसेज VA ऑफर करते हैं जिनमें कॉमनली नॉन आपके पास ग्राफिक डिजाइनिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट और ई कॉमर्स स्टोर मैनेजमेंट शामिल है। आज के दौर में वर्क फ्रॉम होम एम्प्लॉयर और वर्कर दोनों के लिए ज्यादा एक्सेप्टेबल हो चुका है क्योंकि एम्प्लॉयर को जरूरत नहीं पड़ती इक्विपमेंट या ऑफिस के ऊपर एक्सपेंस करने की और VA अपने होम कंफर्ट से बैठकर काम कर सकता है। उसके अलावा एक चीज और यहाँ पे ये भी है कि जो ऑफिस या इक्विपमेंट के ऊपर एक्सपेंस होना था उसे एम्प्लॉयर सेव कर सकता है और उसका कुछ पार्ट एज अलाउंस वो वर्कर को दे सकता है जिससे टिपिकल जॉब से ज्यादा वर्कर की सैलरी बन जाती है, जिसकी वजह से ये मॉडल वर्कर और एम्प्लॉयर दोनों के लिए ज्यादा एक्सेप्टेबल हो जाता है। VA की डिमांड डे बाय डे इंक्रीज हो रही है और इसमें एक बड़ा किरदार पिछले कुछ सालों में आने वाली एक नागहानी आफत ने भी अदा किया जिसमें लोग अपने घरों में बंद होकर रह गए थे। कंप्लीट लॉकडाउन की वजह से एम्प्लॉयज अपनी जॉब पर नहीं जा पा रहे थे, तो इसमें एक नया मॉडल मुतारिफ करवाया गया ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से, वर्क फ्रॉम होम का मॉडल के तमाम एम्प्लॉयज घर से बैठ के काम करें। इस मॉडल को बहुत से ऑर्गेनाइजेशन ने अडॉप्ट किया और जिन ऑर्गेनाइजेशंस ने इसे अडॉप्ट किया वो सक्सेसफुल रही और जिन्होंने इसे अडॉप्ट नहीं किया उन्हें लॉस हुआ या फिर उन्हें अपनी ऑर्गेनाइजेशन बंद करने पड़ी। और इसी दौरान ऑर्गेनाइजेशंस ने यह भी देख लिया कि वर्क फ्रॉम होम अलाउ करने पे या रिमोट वर्किंग अलाउ करने पे उनके बहुत से एक्सपेंसेस कम हो गए, जिसकी वजह से कुछ ऑर्गेनाइजेशन ने फर्दर भी रिमोटली वर्क करने के लिए अलाउ कर दिया अपने एम्प्लॉयज को। अब ये ट्रेंड रैपिडली इंक्रीज हो रहा है और बिजनेस वायर एस्टिमेट की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2025 तक वर्चुअल असिस्टेंट की जो मार्केट कैप है वो 26.6 बिलियन डॉलर को क्रॉस कर जाएगी। इस ट्रेंड के बढ़ने की एक वजह ये भी है कि जब ऑर्गेनाइजेशंस ग्रो करती हैं तो उनके टास्क बढ़ते हैं और उन्हें न्यू हायरिंग करने पड़ती है, तो जब वो न्यू हायरिंग करते हैं तो उन्हें अर्ली पे करना पड़ता है अपने एम्प्लॉयज को, जबकि VA वाला जो मॉडल है इसमें उन्हें अर्ली पे नहीं करना पड़ता, इसमें वो टास्क बेस्ड भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ये मॉडल एक फ्लेक्सिबल मॉडल है, तो ऑर्गेनाइजेशंस VAs को हायर करके अपनी जो डिमांड्स हैं उन्हें मीट कर सकती हैं और इस मॉडल में एम्प्लॉयर या ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर से ये रिस्ट्रिक्शन खत्म हो जाती है कि वो सेम सिटी या सेम कंट्री से अपने वर्कर्स को हायर करें। एम्प्लॉयर के लिए ये चीज़ इसलिए बेनिफिशियल रहती है क्योंकि वो पूरी दुनिया में से ज़्यादा टैलेंटेड और ज़्यादा मोटिवेटेड लोगों को हायर कर सकता है अपने लिए काम करने के लिए। अब हम देखते हैं कि VA करता क्या है। VA करता क्या है ये बेसिकली डिपेंड करता है आपके और आपके एम्प्लॉयर के कॉन्ट्रैक्ट पे और आपके स्किल पर, लेकिन जो मोस्ट कॉमनली सर्विसेज VA देते हैं उसमें आपके पास ई कॉमर्स स्टोर मैनेजमेंट आ जाती है। इसमें वर्चुअल असिस्टेंट आपके ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस के स्टोर्स को या आपके ई कॉमर्स वेबसाइट को मैनेज करता है। उसके बाद जो सबसे ज्यादा दी जाने वाली सर्विस है उसमें आपके पास ग्राफिक डिजाइनिंग आ जाती है। ग्राफिक डिजाइनिंग में वो उनकी सोशल मीडिया पोस्ट से लेकर उनके वेबसाइट बैनर्स तक सारा कुछ डिजाइन करता है, इंक्लूडिंग स्टेशनरी एटसेट्रा।
इसके अलावा वर्चुअल असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क से रिलेटेड भी सर्विसेज देता है, जिसमें वो मीटिंग स्केड्यूल करना हो या फिर मीटिंग से रिलेटेड ट्रेवल बुकिंग्स हो या होटल रिजर्वेशन हो, ये सारा कुछ भी वर्चुअल असिस्टेंट मैनेज करता है। इसके अलावा जो वीएस सर्विसेज देते हैं उसमें आपके पास बुक कीपिंग आ जाती है, आपके पास डेटा एंट्री आ जाती है और इसके अलावा और भी कई सर्विसेज हैं जो वो प्रोवाइड करते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि वर्चुअल असिस्टेंट कैसे बना जा सकता है या उसके लिए आपको किस किस क्वालिफिकेशन की जरूरत है। सो बेसिकली वर्चुअल असिस्टेंट बनने के लिए आपको किसी किस्म की क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होती, बस आपके पास स्किल होना चाहिए जो आप लोगों को प्रोवाइड कर सकें। उसके अलावा आपको जो आपका एम्प्लॉयर है या जो बंदा आपको हायर कर रहा है उसकी लैंग्वेज भी आनी चाहिए ताकि आप उससे अपनी चीजें समझा सकें। ज्यादातर एम्प्लॉयर आपको वो मिलेंगे जो इंग्लिश को समझते हैं, तो आपको कन्वर्सेशनल लेवल तक मिनिमम इंग्लिश आनी चाहिए। एम्पावर्स ने आप लोगों को स्किल देने के लिए फ्री ईबे वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स लॉन्च किया है जो कि 11 घंटे से भी ज्यादा का है। आप उसे देखकर वर्चुअल असिस्टेंट बन सकते हैं। उस कोर्स का लिंक आपके पास डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में अवेलेबल होगा। अब हम देखते हैं कि वीए की इंटरनेशनल मार्केट में क्या पे है या वीए को ऑर्गली और वीकली कितना पे किया जाता है। वीए को इंटरनेशनल मार्केट में ऑर्गली $7 से लेकर $62 तक पे किया जाता है और अगर आप इसे वीकली बेस पे देखेंगे तो $280 से लेके $2500 तक एक वीए अर्न कर सकता है। तो आपको इससे ये अंदाजा हो गया होगा कि एक वीए टिपिकल जॉब से कितना ज्यादा अर्न कर सकता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट वेयर आर वीए कैन प्रोवाइड इट्स सर्विसेज। तो जो मोस्ट कॉमनली वेबसाइट्स आपके पास अवेलेबल हैं जिधर वीए जाके अपनी सर्विसेज दे सकते हैं, उसमें आपके पास अपवर्क, फाइवर और freelancer.com समेत गुरु भी आती है। ये वो चार वेबसाइट्स हैं जिन पर जाके आप अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। इसके अलावा आप लोग फ्री क्लासिफाइड साइट्स लाइक क्रैकलिस्ट, उनके ऊपर जाके भी अपनी एड पोस्ट कर सकते हैं और सर्विसेज के लिए कॉन्ट्रैक्ट उठा सकते हैं। लास्ट में आपके पास सोशल मीडिया आ जाता है जिसमें आपके पास लिंक्डइन और फेसबुक आ जाता है, तो आप फेसबुक ग्रुप्स और लिंक्डइन के थ्रू जाके भी कॉन्ट्रैक्ट उठा सकते हैं। अब हम अपने टॉपिक को कंक्लूड करते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि वीए क्या होता है, सेकंड नंबर पे हमने देखा कि वीए कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, थर्ड हमने देखा कि आपको वीए बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए होती हैं, चौथे नंबर पे हमने देखा कि वीए अपनी सर्विसेज किन वेबसाइट्स पर जाकर प्रोवाइड कर सकता है। अगर आप वर्चुअल असिस्टेंट बनना चाहते हैं तो यहाँ पे वीडियो आ रही होगी, उस वीडियो को जाकर देखें। 11 घंटे से ज्यादा की वो वीडियो है और एम्पावरर्स ने उसमें आपके लिए एक स्किल से रिलेटेड सारा नॉलेज शेयर किया है। आप उस वीडियो के ऊपर अगर ग्रिप कर लेते हैं तो आप हैंडसम अमाउंट अर्न कर सकते हैं।